मुजाहिद सर आए और से हमें अपनी नॉलेज से नवाजें। तो मैं डॉक्टर फैजान अलीगढ़ से एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हम ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने वाले हैं जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्यांस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें जिंदगी की वो चार चीजें मिलने वाली हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहली चीज आती है हेल्थ की। तो यहाँ से हम सबको वो नेमत मिलने वाली है, वो जायदाद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारी जायदाद होती है, क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। तो यहाँ से वो सारी चीज हमें मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि आखिर हेल्थ होती क्या है, और इसके बाद में फिर मैं बताऊंगा आपको कि आखिर हेल्थ के साथ साथ हम यहाँ से वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में जब ये दोनों चीजें होती हैं तो हम सक्सेस की तरफ, यानी हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और अगर हम पैसे से भी ठीक ठाक हैं, तो फिर हम वो सक्सेस वाली, यानी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। और खुशियों का जो रीजन है वो ये है कि सबसे पहले हम यहाँ से बिल्कुल वो सारी चीजें अर्न कर लेते हैं, और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को शेयर करके, इस प्लेटफॉर्म को शेयर करके बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे पांडे सर ने बदला, हमारे सफी सर ने बदला, हमारे मुजाहिद सर ने बदला है बहुत सारे लोगों की जिंदगी को, जो कि बेरोजगार थे और अपनी हेल्थ से परेशान थे, लेकिन आज वो भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं और एकदम से बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ काम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ड्रीमर्स, तो ड्रीमर्स की बात करें दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हमारी छोटी उम्र होती है, तो हमसे पूछा जाता है कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो हम बताते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और हमारा एक बड़ा सा बंगला होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, और हमारे पास कार होनी चाहिए, और हम विदेशों की यात्राएं करें, अपनी फैमिली को लेकर के जाएं। तो दोस्तों, सपना तो सभी लोग देखते हैं बचपन में, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हम हकीकत से रूबरू होते हैं और हम पहचान लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर हम कहीं किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी का सर सीधा फंडा रहता है कि नौकरी से आप केवल अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, सपने पूरे कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता है ट्यांची, जिनके बड़े बड़े सपने हैं और किसी भी कारणवश, बिजनेस ना होने की वजह से, कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, उनके सपने उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनके सपने भी टूटते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं, फिर वो खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ट्यांची बहुत बहुत वेलकम करती है और उनके सारे सपने यहाँ से पूरे होते हैं। जो भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो यहाँ काम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ से हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती है। सेलिब्रिटीज यहाँ काम कर सकते हैं दोस्तों। सेलिब्रिटीज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सेलिब्रिटीज, एक मैं जानता हूँ, वो पैसा जरूर कमाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हेल्थ को कहीं ना कहीं वो गंवा देते हैं और उनको टाइम की आजादी नहीं होती। जिस तरीके से हमारे सफी सर जहाँ चाहे वहां अपनी गाड़ी लेकर के घूम सकते हैं, हमारे पांडे सर जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी इस तरीके से नहीं घूम सकता। उनको सबसे पहले सिक्योरिटी की जरूरत रहती है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये बिजनेस, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि वहां पर एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत हमेशा रहती रहती है। चाहे घर से कितने भी पैसे मिल जाए, घर से कितनी भी पॉकेट मनी मिल जाए, लेकिन खर्चे इतने सारे होते हैं स्टूडेंट्स के, घूमना फिरना एंजॉय करना इतना सारा होता है कि वो पॉकेट मनी भी खत्म हो जाती है। और जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद में, जैसा कि मैं अपने ऊपर देख चुका हूँ, कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में सबसे बड़ी जो टेंशन रहती है वो ये रहती है कि आखिर हमें जॉब मिलेगी कैसे, आखिर हम काम क्या करें, आखिर हम किस सेक्टर में जाएं, किस फील्ड में जाएं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो दोस्तों वो सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं भागेगा, वो जैसे ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेगा, वो लोगों को नौकरियां बांटेगा, ना कि वो खुद करेगा। तो ये बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। होम मेकर, घर में रहते हुए जितनी भी लेडीज होती हैं, उनका जो भी समय फ्री रहता है, इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जैसे कि हमारे सफी सर की टीम से हैं,
मालती जी हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस को और चला रही हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से रन कर रही हैं। इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज हैं हमारी, फिरोजाबाद से बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडर हमारी निशा खान मैडम, बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को कर रही हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी टीम में न केवल सिर्फ फिरोजाबाद बल्कि आगरा के बहुत सारे लोग हैं जो उनकी काम टीम में काम कर रहे हैं, और सिर्फ आगरा ही नहीं हैदराबाद में भी उनकी टीम से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है जो कि होम मेकर कर सकती है। ओल्ड रिटायर्ड लोग हमारी टीम में, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ओल्ड हैं रिटायर्ड हैं, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। अभी एक दरोगा जी हैं आगरा में, उनके यहाँ हम गए थे पिछली बार, तो उन्होंने उनको हमने बताया कि दरोगा जी आप बेशक रिटायर हो गए लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद में आप करते क्या हैं? तो बोले यार कुछ नहीं करते हम, और टाइम बस काट रहे हैं अपना। तो मैंने कहा टाइम काटो मत, इस टाइम को यूटिलाइज करो और बहुत से लोगों की सेहत को दो और बहुत से लोगों की हेल्थ को बिल्कुल ठीक करो। तो उन्होंने उसको बिजनेस को पूरा समझा और बहुत जल्द वो भी सेंटर खोलने वाले हैं जो कि ऑलरेडी दरोगा हैं और रिटायर हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयड लोग जो कि अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए तो वरदान है ये बिजनेस, क्योंकि उनको तो बहुत ही जरूरी है ये बिजनेस करना। उसके बाद में बिजनेस ऑनर की बात करें तो हमेशा बड़े बूढ़ों का कहना है कि सारे अंडे एक टोकरी में न रखें, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, कभी भी कोई भी बिजनेस बंद हो जाता है। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस है छोटे मोटे खास तौर से, वो 60% तक बंद हो चुके हैं, और अभी भी कौन सा बिजनेस कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हमें सेकंड एक और हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, तो वो जो ऑप्शन है वो हमारा ट्यांच है। तो इसमें जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, सबसे पहले बात करेंगे हम अपने फाउंडर जो कि इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, मिस्टर ली जिनयान सर, जिनकी सोच एक ऐसी महान शख्सियत जैसी है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनका एक परिवार बने। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कि उनका परिवार दिन पे दिन एवरी डे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि उनके ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर शफी मोहम्मद सर, हमारे मुजाहिद सर, मोहसिन सर, अरुण सर और हमारे टीम मेंबर्स दिन पे दिन अपना परिवार को बड़ा करते चले आ रहे हैं, बड़ा करते चले जा रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में एक दिन इनका ये जो सपना है ना कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये जरूर पूरा होगा इंशाल्लाह। तो अपने प्रमोटर की बात करें, आप जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं जितने भी टियांशियन है कि ये सीईओ के यानी ये जो WFDS होता है उसके सीईओ काउंसिल मेंबर भी हैं। तो ये खुद देखते हैं कौन सी कंपनी लीगल है कौन सी इनलीगल है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं सक्सेसफुली, और हर बार हर प्रोडक्ट को रिसर्च करके लॉन्च करते हैं। तो बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है मिस्टर ली जिनयान सर। तो अभी बात करते हैं हम प्रोफाइल ऑफ कंपनी, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी की बात करें हम, मैं इसको कंपनी नहीं बहुत बड़ी एक संस्था बोलूंगा। तो इस संस्था की बात करें तो ये 1995 में शुरू हुई थी बीजिंग चाइना के अंदर, और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर यानी 1997 के अंदर अंदर ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ गई। और इसने क्या किया, इसने 10 साल के अंदर अंदर वो करके दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये 10 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में इसने अपना तहलका मचा दिया और अलग अलग बिजनेस लाइंस में इसने कदम बढ़ाया जहाँ के इसने सक्सेसफुली सफलता हासिल की। और दोस्तों इसकी, इस बिजनेस की बात करें, इस प्रोफाइल की बात करें, तो 190 से ज्यादा कंट्रीज में इसका ऑलरेडी वर्क चल रहा है और 110 से ज्यादा कंट्रीज में इसके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। आप देखिए कितनी बड़ी इनकी सोच है और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी 190 देशों के अंदर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। और अभी जैसे कि अभी हम नई स्लाइड देखते हैं, नए नए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो हमें पता चला है कि ये 200 से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है ये बिजनेस को लेकर के, 200 कंट्रीज से भी ज्यादा ये बिजनेस को अपने को रन कर रही है। इसी के साथ बात करें, इसने जो अलग अलग काम किए हैं वो इसने अलग अलग फील्ड में काम किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में काम किया, होटल मैनेजमेंट में काम किया, होटल टूरिज्म में, एजुकेशन ट्रेनिंग, ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और भी अलग अलग बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें काम कर रही है। जैसा कि मैं सुनता हूँ समथिंग 18 बिजनेस है जिसमें ये काम कर रही है कंपनी, क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए यहाँ पर कमी दिया है। और सर्विंग मोर देन 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज यानी 40 मिलियन ग्लोबली फैमिलीज इससे फायदा उठा रही हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवार हो चुका है ऑलरेडी। तो ये कंपनी की प्रोफाइल की कुछ स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं आपके स्क्रीन पर, जहाँ की हेडक्वार्टर है कन्वेंशन सेंटर, और ये मेन एंट्रेंस, और ये ड्रोन से लिया हुआ एक फोटो, ये पूरी की पूरी प्रोफाइल है कंपनी की। जैसा कि अभी हमारे मुजाहिद सन शफी सन ने बताया कि 32 किलोमीटर में ऑलरेडी ये बनी हुई है और बहुत जल्द ये जो हेडक्वार्टर है
100 किलोमीटर में होने वाला है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 32 किलोमीटर से ये 100 किलोमीटर में होने जा रहा है, तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। इसी के साथ में अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ क्या है। तो दोस्तों WHO का कहना है कि हेल्दी केवल 5 ही% लोग हैं दुनिया में जो हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं। तो हेल्दी आखिर होते कौन लोग हैं, तो उनके बारे में बताना चाहूंगा। जितने भी लोग फिजिकली यानी शारीरिक स्वस्थ हों, और मेंटली यानी कि मानसिक स्वस्थ हों, और सोशली और सामाजिक भी स्वस्थ हों, ऐसे लोगों को हेल्दी बोला जाता है। यानी शरीर में उनके कोई बीमारी ना हो, और मस्तिष्क यानी उनका जो ब्रेन होता है यानी सोशली मेंटली मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। तो इतने ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, तो WHO ने डेटा बताया कि ऐसे केवल 5 ही% लोग हैं जो हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो 95 लोग हैं उनकी भी दो कैटेगरी बनाई, और उन्होंने बताया कि 15% लोग ये वो लोग हैं जो हर वक्त बीमार रहते हैं, ICU वेंटिलेटर्स पर रहते हैं। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई भी बेड आपको खाली नहीं मिलेगा, ये वही लोग हैं जो डिसीज की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों 5% लोग हैं जो हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं, और 15% लोग हैं जो कि डिसीज की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको। आपने कितने सारे डॉक्टर्स को देखा है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े उनके पास में मकान होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, बहुत बड़ा स्टाफ होता है। तो दोस्तों ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ये केवल 15% लोगों पर काम करके बने हैं। कितने परसेंट? केवल 15% लोगों पर। क्या कभी हेल्दी को देखा है कि मुझे बुखार की दवाई दे दो? नहीं देखा होगा। कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है कि उसको थोड़ा सा नजला सा हुआ और वो डॉक्टर के पास गया कि मुझे नजले की दवाई दे दो? नहीं जाता वो भी टेबलेट खा के काम चला लेता है। लेकिन डॉक्टर के पास केवल 15% लोग हैं जो बिल्कुल डिसीज की कैटेगरी में आते हैं, केवल वही लोग जाते हैं। तो 15% लोगों पर काम करके आज डॉक्टर्स जितने भी हैं इतने अमीर बन चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा तो फील्ड वाकई इतना बड़ा फील्ड है कि हम 5% लोगों पर भी काम कर सकते हैं, और हम 80% लोगों पर भी काम कर सकते हैं। यानी हमें डॉक्टर से भी बड़ा सेक्टर मिला हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको केवल 15% लोग मिले हुए हैं, लेकिन हमें 85% लोग मिले हुए हैं। 5% लोग त्यांच इसलिए करेंगे ताकि वो बीमार ना हो, और जो 80% लोग हैं जो कि सब हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं, वो ट्यांच इसलिए करेंगे ताकि वो हेल्दी से सब हेल्दी की कैटेगरी में आ गए, डिसीज की कैटेगरी में ना जाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि 5% लोग केवल हेल्दी हैं, 15% लोग डिसीज हैं, बाकी 80% लोग हैं ये सब हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं। ये वही लोग हैं जो ना ठीक से स्वस्थ हैं और ना ठीक से बीमार हैं। तो ऐसे लोगों पर भी हमारा यहाँ पर काम रहता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर बीमारी स्टार्ट कैसे होती है। तो आज यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेग ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट, हमारे न्यूट्रिशन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। सर किसी का माइक खुला हुआ है जी? थैंक यू सर। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स विटामिन्स मिनरल्स फाइबर प्रोटीन अमीनो एसिड्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स, दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो न्यूट्रिशन है आज हमारी थाली से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे हम सब हेल्दी की कैटेगरी में चले जाते हैं, और इन्हीं कमी के कारण हम डिसीज की कैटेगरी में चले जाते हैं। ओमेगा की कमी आ जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। फाइबर की कमी आ जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। विटामिन की कमी हो जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। दोस्तों उन बीमारियों को देखते हुए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहां ना हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलता है और ना हमें उस बीमारी का समाधान मिलता है। वो केवल वक्ती तौर पर हमें दवाइयां मिल जाती हैं जो कि हमें फिलहाल जो परेशानी होती है वो दब जाती है, और उसके बाद में वही बीमारी आगे चल के अटैक पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायत बन जाती है। तो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग हुई ये हुई हमारे थाली के अंदर से न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, खेतों में लगता हुआ केमिकल। जी हाँ दोस्तों, आज आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ, हर जगह ये चीज आपको दिखेगी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, अगर ये केमिकल इतनी अच्छी चीज होती तो ये यहाँ पर ग्लव्स पहनकर स्प्रे ना करते, मास्क पहनकर स्प्रे ना करते। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी घातक चीज है। यानी ये लोग भी जानते हैं कि ये जो केमिकल है कितना घातक है, लेकिन मजबूरी है इनकी डालना उस खेतों के अंदर ताकि पैदावार ज्यादा हो। क्योंकि दोस्तों हर आदमी ज्यादा के चक्कर में लगा हुआ है, और उसी ज्यादा के चक्कर में वो बीमारी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुब्तिला होते चले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह रही बीमार होने की और बीमारियां बढ़ने की। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? खेतों में लगता हुआ केमिकल। आप स्क्रीन पर देख रहे हो भारतीय भोजन में 30 साल पहले से ताकत नहीं रही। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीजें आ रही है खेतों के अंदर से।
तो अब आप हम क्या कर रहे हैं, खेतों में लगता हुआ केमिकल तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ दोस्तों हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का नाम है टियांस। सबसे पहले टियांस के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं हम कि टियांस के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी इसके एपरेटस हैं, ये आखिर किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। टीसीएम पैथी कहलाई जाती है, जो कि 5,000 साल पुरानी पैथी है। लोगों की बॉडी की नीड पर काम करते हैं हम लोग, और लोगों की जो जरूरत रहती है उस पर काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम क्लिनजिंग कराते हैं अपने यहाँ, क्योंकि अब तक आप जो कुछ भी खा चुके बॉडी से उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एक बर्तन की जरूरत रहती है उसको धुलाई करना, एक बाइक की जरूरत रहती है पुराना मोबिल ऑयल निकालना, इसी तरीके से हमारी बॉडी की भी नीड रहती है कि सबसे पहले जो भी हम केमिकल खा चुके उसको बॉडी से क्लिनजिंग यानी उसको सफाई करना। इसके बाद में बॉडी बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, और बैलेंसिंग के बाद में सप्लीमेंटिंग होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद में बॉडी हमारी प्रिवेंट यानी हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहती है। तो अपने प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, बेस्ड ऑन 500 ईयर्स ओल्ड थेरेपी कॉल्ड टीसीएम, 5,000 साल पुरानी पैथी पर ये बेस्ड है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्लस हर्बल रेमेडीज। यानी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ये वो चीज है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करती है, और जितने भी हर्बल रेमेडीज हैं, जितने भी हमारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, वो हमारी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है उसको कंप्लीट करते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिक एंड पेटेंट वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड। और इसके रिजल्ट की बात करें, बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है ये। और प्रोडक्ट की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी, यानी हम जितना देते हैं उससे ज्यादा का हम प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और खास तौर से जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि यहाँ से हम जितनी भी सेलिंग करते हैं वो विदाउट एनी मार्केटिंग प्लान के भी यहाँ से हम काम कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, और यहाँ से हम विदाउट मार्केटिंग प्लान भी यहाँ काम कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अपने इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होके ये 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, यानी हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा टैक्स भी मिल रहा है। तो यहाँ से हम अपने इंडिया की हेल्प भी कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से सोशली वर्क ऑलरेडी था, लेकिन अभी यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे सारे लोग कि जितना भी हमारा टीडीएस आता है वो टैक्स कट के आता है, तो हम अपने इंडिया को भी टैक्स देते हैं और दूसरी गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, यानी हर चीज को हम यहाँ पर एक नंबर से काम कर रहे हैं। और बात करें इसके न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की, तो ये साइंस बिहाइंड प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए और बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद में फिर उसके पीछे साइंस लगा जाता है, तब जाके वो बनता है। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनजिंग प्रोडक्ट की। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टीप ऑली, हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं इसके बारे में बताता टीप ऑली एफओएस ओपीसी के बारे में, बट आज मेरा ओपीपी सेशन है तो मैं अपना ओपीपी कंप्लीट करूंगा, और नेक्स्ट हमारे जो मुजाहिद सर का सेशन है वो बहुत जल्द प्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं बैलेंसिंग प्रोडक्ट की। तो हमारी बीसीएम बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि अगर आपने एक बार किसी को इसका डेमो दिखा दिया तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप उससे मना कर दोगे कि मुझे फोन ना करें, लेकिन वो आपको फोन जरूर करेगा। बहुत जबरदस्त चीज है आपके पास। इसके बाद में हमारे पास हमारी एक्यूलाइफ मशीन, ये वो मशीन है कि जब सारे डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता इस बीमारी के बारे में, तब हमारी एक्यूलाइफ काम कर जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज 5% भी है, अगर 10% भी है, तो ये एक्यूलाइफ डिटेक्ट करके बता देती है कि आपको क्या परेशानी स्टार्ट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी है वो बताएगी, और जो बीमारी नहीं है आपको होने वाली है वो भी आपको पहले से बता देगी कि आपको फ्यूचर में ये बीमारी होने वाली है। और हम बात करें एपीटी मशीन की, अपनी एक्यूपॉइंट मल्टीफंक्शन ट्रेजर एपरेटस की, तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट मशीन है, जो कि कितना भी पुराना दर्द हो विद इन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये उन सारी चीजों को बिल्कुल क्लीन कर देती है, बिल्कुल ठीक कर देती है। हमारा हेल्थ मैट्रेस, म्यूजिक बैंड, फ्रिज प्योरीफायर, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास में। और हमारा हेल्थ कप, ये सारे प्रोडक्ट इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। और इसी के साथ साथ हमारा हेड केयर एपरेटस बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर किसी का बीपी कितना भी 5 बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो, विद इन 5 to 10 मिनट ये उसको नॉर्मल कर देता है। यानी अगर कोई बेहोश भी हो गया तो उसको 5 मिनट के अंदर अंदर होश में ला सकते हैं आप। जॉय नेकलेस, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। और हमारी ब्रासलेट, ये ब्रासलेट एक ऐसी चीज है कि अगर आप सफर में भी हो और आपके पास है और कुछ नहीं है, केवल एक ब्रासलेट है, तो
तो भी आप वहां पर पेशेंटों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई बार दिया है। अब बात करते हैं हम थोड़े से सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट की। तो बात यहाँ आप देख रहे होंगे, स्पाइरुलिना है, जिमनेमा है, कोएंजाइम Q10 है, पर्सनल एंड होम केयर प्रोडक्ट की बात करें तो नाना एंड वॉश, डिको डिश वॉश और हमारा कैपेलियस शैम्पू, आर्गन एंड एवोकाडो, आंवला एंड नीम हेयर ऑयल, ऑरिक हेयर, बेम्बू चारकोल, और ये सारी चीजें हमारे पर्सनल जो केयर होती है उसके प्रोडक्ट आ जाती है। एंड मैनी मोर प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास और बहुत ही जबरदस्त। हमारे पास में टियांस एक ग्लोबल ब्रांड है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एक अलग पहचान बनाई है हम सब लोगों ने मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलने वाली हैं। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग होती है अपने इंडिया में और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। अभी बात करते हैं हम दोस्तों हेल्थ को। हमने समझा कि आखिर हेल्थ होती क्या है और हमने ये भी जाना कि आज की डेट में हेल्थ इश्यू क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और ना ही हमारी हाल के अंदर वो न्यूट्रिशन है जो पहले जैसे हुआ करते थे। तो दोस्तों ये सारी वजह रही बीमारी होने की। अब बात करते हैं हम बीमारी के बाद में इनकम की। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सबसे पहले हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं, इसके बाद में हम यहाँ से एक बहुत बड़ी वेल्थ भी लेते हैं। तो वेल्थ की बात करें तो यहाँ से आपको वो वेल्थ मिलने वाली है जिसको पैसिव इनकम बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम ये वो इनकम होती है कि आप काम करें तो पैसा, काम ना करें तो भी पैसा। लेकिन ये इनकम आखिर आती कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बिजनेस में आके एक ग्रुप बनाना है, एक नेटवर्क बनाना है, क्योंकि दोस्तों आज जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप सोच कर देखिए कि चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो या रतन टाटा हो, कोई भी हो या जैक मा हो, कोई भी हो, इन सब के पास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनके पास जो ताकत है वो नेटवर्क की ताकत है। दोस्तों इसी तरीके से अगर हमें भी जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम के लिए सबसे पहले हमें एक नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क के बाद में फिर एक नेटवर्थ, और नेटवर्थ से ही हमें पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है। तो दोस्तों इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हमें आखिर क्या करना है? तो ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट की बात करें हम, तो यहाँ आपकी एज 80+ होनी चाहिए, यानी 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, एक कैंसिल चेक होना चाहिए या बैंक की पासबुक, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ चार डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में, मात्र चार डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप यहाँ पर इतनी बड़ी ब्रांड के पार्टनर बन जाते हैं और यहाँ से आपको 20% का शेयर मिलना स्टार्ट हो जाता है। समय कितना अभी हमारे पास? जी तो हमारे पास 10 मिनट है, मैं 5-10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ से आप इतने बड़े प्रोग्राम, इतने बड़े ब्रांड के आप पार्टनर बन जाते हैं, 20% आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आपको मिलने क्या वाला है? 8 तरह की इनकम, यानी 8 तरह की आपको इनकम मिलने वाली है। डेवलपमेंट सेल्स आपको मिलने वाली है। डेवलपमेंट सेल्स की बात करें तो टीम सेल्स बोनस मिलेगा यहाँ से, डेवलपमेंट बोनस मिलेगा आपको, ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। और रिटेल सेल्स की बात करें तो यूनि लेवल बोनस मिलता है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम आती है आपको और एलाइड बोनस भी आता है। इसी के साथ दो और इनकम, एक्स्ट्रा इनकम होती है हमारे पास जो कि ऑनरी बोनस और स्पेशल बोनस के रूप में हम लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों ज्वाइन विद ग्लोबली एनी बिजनेस कार्ड, आप किसी भी एक कार्ड से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप ब्रॉन्ज से ज्वाइन कर सकते हैं, सिल्वर से ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्ड से ज्वाइन कर सकते हैं या प्लेटिनम से ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमें जाना हाईएस्टली प्लेटिनम पर ही है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी गोल्ड करनी है और अपने नीचे वाले दो लोगों की गोल्ड करानी है और हमें यहाँ से प्लेटिनम क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम कार्ड है वो प्लेटिनम है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम जल्द से जल्द प्लेटिनम जाएं। जितने लोग प्लेटिनम हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने लोग प्लेटिनम नहीं है वो जल्द से जल्द कोशिश करें और प्लेटिनम तक जाएं, क्योंकि प्लेटिनम से हमें बहुत सारी इनकम स्टार्ट हो जाती है। जो हाईएस्ट इनकम रहती है वो प्लेटिनम पर ही रहती है। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ से कौन से कार्ड पर हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट बोनस की, जो कि हमें अगर हम ब्रॉन्ज कार्ड खरीदते हैं तो 10% मिलेगा, सिल्वर कार्ड खरीदते हैं तो 15% मिलेगा, गोल्ड कार्ड खरीदते हैं तो 18% मिलेगा, और अगर हम प्लेटिनम कार्ड खरीदते हैं तो 20% मिलेगा। मैचिंग बोनस की बात करें तो ब्रॉन्ज कार्ड पर हमें 8 से 9% मिलता है, सिल्वर की बात करें तो 9 से 10%, गोल्ड पर 10 से 11% और प्लेटिनम पर 11 से 12% मिलता है। ट्रेनिंग बोनस की बात करें तो ब्रॉन्ज कार्ड पर कुछ नहीं मिलेगा, सिल्वर पर 2% में, 2 लेवल तक 5% मिलेगा, गोल्ड पर 3 लेवल तक मिलेगा 5%, और प्लेटिनम तक 4 लेवल तक मिलेगा 5%।
एक्स्ट्रा रिटेल डिस्काउंट की बात करें तो ब्रॉन्ज पर कुछ नहीं मिलेगा, सिल्वर पर 5% एक्स्ट्रा रिटेल मिलेगी और गोल्ड पर 8% एक्स्ट्रा रिटेल, प्लेटिनम पर 15% रिटेल। जी हाँ दोस्तों, ये वही एक्स्ट्रा इनकम है कि हमें डीपी प्राइस पे यानी डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट मिलता है। इसी के साथ एक्स्ट्रा रिटेल कैशबैक की बात करें तो ब्रॉन्ज पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सिल्वर पर 10% मिलेगा क्योंकि यहाँ हमारी रैंक 4 स्टार हो जाती है, गोल्ड पर हमें 10% ही मिलेगा क्योंकि वहां भी हम 4 स्टार ही होते हैं, और प्लेटिनम पर हमें 15% मिलेगा क्योंकि वहां हम एक और रैंक को ब्रेक कर लेते हैं और वहां से हम 5 स्टार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, अगर हम इसको शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ में, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, खैर ये पुरानी पीपीटी चल रही है अभी और मैं नेक्स्ट मीटिंग में नई पीपीटी के साथ में आप सब लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तो यहाँ से अगर हम ब्रॉन्ज अपने कार्ड खरीदते हैं और 2 लोगों को ब्रॉन्ज कराते हैं तो वहां से आपको 1848 रुपए की इनकम हो जाती है। नेक्स्ट वीक अगर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 4 लोगों की आपकी टीम हो जाती है और 1056 रुपए का आपका पे आउट बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट वीक यानी तीसरे हफ्ते में अगर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 8 लोगों की आपकी टीम हो जाती है, 2112 रुपए का आपका पे आउट बनता है। फोर्थ वीक में यानी चौथे हफ्ते में आपके पास 16 लोग होते हैं, यानी 16 लोगों की आपकी टीम हो जाती है और आपको 4224 रुपए का यहाँ से पे आउट बन जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो पावर है, आपने देखा होगा कि बिजनेस यानी जो हमारी इनकम है वो बढ़ती चली आ रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हमेशा मल्टीप्लाई होने वाला बिजनेस है। अंक वही रहती है लेकिन बिजनेस हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। यानी अगर आप किसी एक को ज्वाइन कराते हैं तो वो एक दूसरे को ज्वाइन कराएगा तो आप ऑटोमेटिकली 3 लोग हो जाओगे, और 3 लोगों ने और एक एक को ज्वाइन कराया तो वो वहां से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास में 6 लोग हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 10 + 10 + 10 यानी अगर जोड़ोगे आप तो वो 30 बैठेगा। अगर उन्हीं अंकों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया यानी उन्हीं लोगों को आपने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही संख्या आपकी 1000 के बराबर बैठेगी। तो दोस्तों ये जो पावर है ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ से हमेशा हमारा बिजनेस भी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें नेक्स्ट आगे लोगों को शेयर करना है इस बिजनेस को और बड़ी से बड़ी हमें इनकम यहाँ से लेनी है। 5वें हफ्ते में हमारे पास 32 लोग हो जाएंगे, 8448 रुपए की इनकम। 6ठे हफ्ते में 64 लोग, 16896 की इनकम। 7वें हफ्ते में 128 लोग, 33792 रुपए की इनकम। 8वें हफ्ते में हमारे 256 लोग, 52800 रुपए हमारी इनकम। दोस्तों 52800 रुपए पर वीक यहाँ से इनकम हमें मिलने वाली है, और मंथली इनकम की बात करें तो 211200 रुपए की यहाँ से हमें मंथली इनकम मिलने वाली है। बट इसी के साथ में हमें एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो मंथली परचेज होती है उसको हमें महीने के फर्स्ट वीक यानी पहले हफ्ते में ही हमें अपनी मंथली रिटेन जरूर करनी है। अगर हम 6 स्टार तक हैं तो 20 PV होते हैं, अगर हम 7 स्टार हो जाते हैं तो 50 PV होते हैं, और अगर हम 8 स्टार हो जाते हैं तो वहां से 100 PV। इसके बाद में फिर लोइन कैटेगरी का फिर अलग ही रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें हाईएस्टली जो जाना है वो प्लेटिनम पर जाना है, तो अगर हमने ब्रॉन्ज कार्ड भी लिया है तो भी हम एक और ब्रॉन्ज लगा के सिल्वर हो सकते हैं, सिल्वर फिर से लगा के हम गोल्ड हो सकते हैं, और अपनी गोल्ड करने के बाद 2 लोगों की सेम अगर हमने गोल्ड करा दी तो हम वहां से प्लेटिनम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जल्दी से अपनी शेयरिंग को कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी हमें मुजाहिद सर का भी सेशन लेना है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 4 यहाँ पैकेज हैं। अब ये देख लेते हैं कि आखिर यहाँ से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो अगर हम ब्रॉन्ज पर एक ऑयल की अगर सेल करते हैं तो 68 रुपए की हमें मार्जिन मिलेगा, और अगर हम सिल्वर पर अगर वही सेल करते हैं तो 94 रुपए, गोल्ड पर करते हैं तो 120 रुपए, प्लेटिनम पर 125 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कहाँ 68 और कहाँ 125। तो ये जो हमारा जो डिफरेंट आया ये आया सिर्फ हमारे कार्ड की वजह से। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द अपने कार्ड को प्लेटिनम करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। अभी बात करते हैं हम डायरेक्ट बोनस की। तो ब्रॉन्ज अगर हमने कार्ड लिया और 2 लोगों को हमने ब्रॉन्ज से ज्वाइन कराया तो हमारी जो इनकम होती है यानी 8% के हिसाब से हमारी जो इनकम होगी वो 1848 रुपए होगी, जैसे कि मैं अभी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। अगर हम सिल्वर हैं और 2 लोगों को ब्रॉन्ज से ज्वाइन कराया, यानी अगर हम ब्रॉन्ज वाले ने वही काम किया तो उसको 1848 रुपए आए, अगर सिल्वर वाला वही काम करता है तो उसको 2574 रुपए आते हैं, अगर गोल्ड वाला सेम काम करता है तो उसको 3036 रुपए आते हैं, और अगर प्लेटिनम वाला वही सेम काम करता है तो उसको 3360 रुपए आते हैं। दोस्तों यही है कार्ड का फर्क, जो मैंने कार्ड का डिफरेंट बताया वो यही बताया कि जितना बड़ा आपका प्लेटिनम कार्ड होगा यानी जितनी जल्दी आप प्लेटिनम कार्ड कर लोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले। तो एक और एग्जाम्पल है आपके सामने कि ब्रॉन्ज कार्ड वाले ने अगर 2 लोगों को गोल्ड से ज्वाइन कराया तो उसकी जो इनकम होगी 7392 की होगी, अगर सिल्वर वाला कोई भी व्यक्ति 2 लोगों को गोल्ड से ज्वाइन कराता है तो उसकी इनकम होगी 10296,
गोल्ड वाला अगर किसी दो लोगों को गोल्ड से ज्वाइन कराता है तो उसकी इनकम होगी 12,144 रुपये, और अगर यही काम अगर प्लेटिनम वाला करता है तो उसकी इनकम होगी 13,464 रुपये। ये फर्क है प्लेटिनम कार्ड का। तो अभी बात करें हम मैचिंग बोनस की, तो ब्रॉन्ज पर हमें 52,800 रुपये पर वीक और 2,11,200 रुपये पर मंथ यहाँ से मिलेगा, और सिल्वर अगर हम अपनी आईडी को कर लेते हैं तो 1,55,605,600 रुपये पर वीक और 4,22,400 रुपये पर मंथ, और गोल्ड है अगर हम तो 1,98,000 पर वीक और 7,92,000 रुपये पर मंथ, और अगर हम प्लेटिनम क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3,30,000 रुपये पर वीक और 13,20,000 रुपये पर मंथ यहाँ से हमें इनकम मिलने वाली है। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारा जो मैक्सिमम कार्ड है वो ये प्लेटिनम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो हमारे मोहसिन सर प्लेटिनम कार्ड लिए हुए हाथ में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द हम प्लेटिनम क्वालिफाई करें। अभी बात करेंगे हम ट्रेनिंग बोनस की, तो ट्रेनिंग बोनस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सिल्वर है तो 5% आएगा 2 लेवल तक, और 5% आएगा गोल्ड पर 3 लेवल तक, प्लेटिनम पर 4 लेवल तक। तो दोस्तों अगर मैं लेवल्स बताऊंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, डेप्थ तक बताऊंगा। इसी के साथ में यूनि लेवल की बात करें तो ये आपको यूनि लेवल बोनस भी आपको दिख रहा होगा, जो कि हमारा 20 PV सिर्फ अपनी मंथली रिटेल डालने से यहाँ से कितनी बड़ी इनकम हो जाती है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस की बात करें तो 6 स्टार से शुरू होता है 20%, और उसके बाद में 25%, ये 7 स्टार पे, 8 स्टार पे 33%, और बाकी ये जो रॉयल्टी कैटेगरी आ जाती है यानी जो गोल्ड लोन वाली आ जाती है उस पर हमें बहुत सारा मिलना शुरू हो जाता है, 41% से 41.5%, फिर 42% पहुंच जाता है। तो ऑनरी ग्लोबल एलाइट रॉयल्टीज की बात करें तो ब्रॉन्ज लोन से हमें रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ से हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनरी ग्लोबल जो रॉयल्टी होती है वो भी यहाँ से मिलती है। कार फंड मिलता है जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि हमारे ग्रेट मेंटर हमारे आइडिया सफी मोहम्मद जी ये फंड ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ से $30,000 मिलते हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन 19,80,000 रुपये नहीं, अब यहाँ से ये जो पैसे मिलते हैं 22,50,000 रुपये मिलते हैं, जो कि हमारे सफी सर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द गोल्ड लोन जाए और इस $30,000 को बहुत जल्द अचीव करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से विला फंड भी मिलता है और फ्री वर्ल्ड टूर मिलते हैं, जैसे कि अभी हमारे ग्रेट मेंटर हमारे मुजाहिद सर ये ऑलरेडी कर चुके हैं, एक फ्री वर्ल्ड टूर उनका चल रहा है जो कि सिंगापुर और मलेशिया का उन्होंने क्वालिफाई कर चुके हैं, और इसी के साथ में यहाँ से अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन होते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अपने बच्चों के लिए यहाँ से हम बहुत ही अमीरों वाली जिंदगी छोड़ करके जाते हैं, और यहाँ से हमें मिलने के वाला है तो मेक लाइफ पैराडाइज शिफ्ट, तो हमें यहाँ पर खुद का बॉस बनना है, किसी और का बॉस नहीं बनना और ना ही किसी और को अपना बॉस बनने देना है। तो नीड द चेंज, हमें बदलाव की जरूरत है जो कि हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक लेकर जानी है, और पैसिव इनकम ये वो इनकम होती है कभी ना खत्म होने वाली इनकम, कि आप काम करें तो पैसा, काम ना करें तो भी पैसा। तो ये सारी इनकम यहाँ से मिलने वाली है आपको, ये सारा लाइफ स्टाइल मिलने वाला है आपको, और दोस्तों यहाँ आप अकेले नहीं है, यहाँ थ्री वे सपोर्ट आपके साथ में है, आपको पूरी ट्यांच वर्ल्ड क्लास कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, और स्पॉन्सर अपलाइन टीम आपको सपोर्ट करेगी, और सिस्टम श्योर सक्सेस यानी SSS सिस्टम वो भी आपको सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करते हुए आपको HD तक लेकर के जाएगा। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है, आपके साथ में पूरी टीम है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ में है, क्योंकि ये जो ट्यांच है ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। तो इसी के साथ में आप देख रहे हैं व्हेन आई रिप्लेस विद वी इवन विलनेस बिकम विलनेस। तो दोस्तों जब हम मैं रहते हैं यानी हम अकेले रहते हैं तो हमें कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी सिक्योरिटी की उसमें कैटेगरी में नहीं आते, सिक्योर नहीं है हम, लेकिन अगर हम आई से वी में बदलाव कर लेते हैं यानी हम मैं से हम में बदल जाते हैं तो बीमारी भी ठीक और हमें एक सपोर्ट भी मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे समय दिया और मेरी बातों को सुना, और